friends Good morning, everybody. I am Karan Sakya, IIT Gate CSIR Net with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Group. On this channel, we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study higher level chemistry like the MSc, NEAT, IIT GEM, IIT Gate, and CSIR Net, you can contact on this number. So, dear students, uh, माई नंबर इज़ दिस एट सिक्स थ्री जीरो सेवन वन डबल नाइन थ्री सेवन ओके सो फिलहाल मैं यहाँ पर क्लास टें, ट्वेल्थ का मैंने uh, चैप्टर नंबर ट्वेल्व लिया है uh, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए पहले मैं टर्म टू का थोड़ा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस को डिस्कस कर देता हूँ ये क्लास ट्वेल्थ का ये टर्म टू का सिलेबस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कानिक्स सरफेस केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉर्डिनेशन एंड कार्बोनिक एसिड्स एमीन्स तो यहाँ पर <coughs> मैंने जो चैप्टर अभी लिया है इसमें मैंने चैप्टर नंबर सिक्स की बात करूंगा मैं इसमें एंड एसिड्स इसमें देखेंगे क्योंकि दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं केवल सिक्स सेवन चैप्टर इन दो चैप्टर से आपका थर्टीन मार्क्स यानी थर्टी फाइव में से थर्टीन मार्क्स केवल और केवल इन दो चैप्टर्स से आप कवर कर सकते हैं तो दीज चैप्टर्स दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और बैंकि आप वैसे तो आपको सभी चैप्टर से स्टडी करने हैं फिलहाल मैं इन दो में से सबसे पहले एलडिया टोन्स की बात करता हूँ राइट और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टर्म टू का सिलेबस एग्जाम से पहले फिनिश कर दूं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपके 26 अप्रैल से एग्जाम आपके स्टार्ट है ओके तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं एल की टोन्स और कार्बोजनिक एसड की बात करूंगा बेसिक से लेके एडवांस तक चलूँगा ए टू जेड मैं आपको स्टडी कराऊँगा यहाँ पर और अभी मैं देखता हूँ सबसे पहले मैं इसका बेसिक आइडिया लेता हूँ कि एल की टोन्स और कार्बोजिक एसिड में मैं बात करता हूँ एयले की राइट तो बने रहिए और अपने चैनल पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले एल की कि एल होते क्या हैं राइट तो एल की बात करें सिंपल अगर आपका सी एच ओ ग्रुप है ना आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे कि सी एच ओ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं एल बोलते हैं और या तो सी एच ओ है या इसके लिखने का तरीका कि ये भी है ऐसे भी हम इसको लिख देते हैं एल को ठीक है और जब मैं जनरल कंपाउंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये आर सी एच ओ ये जनरल कंपाउंड्स आपके एलडियाड के या तो आपको ऐसे लिखा मिल सकता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ओपन करके आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये आर यहाँ पर क्या है आर यहाँ पर एल्किल ग्रुप होता है ठीक है एल्किल ग्रुप की जैसे कि मैं बात करूँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल राइट तो ये मैं अभी बेसिक आइडिया देता हूँ ये एलडियाइट्स इस तरह से फंक्सन ग्रुप आपका सी होता है अगर मैं यहीं पर बात करूँ कीटोन की ठीक है तो देख लेते हैं कि कीटोन्स क्या होते हैं कीटोन्स कीटोन्स में आपके ये होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ है ना ये और इधर साइड में आर ग्रुप लगा लगाऊगा इधर भी आर लगा आर लगा लगाऊंगा तो ये ग्रुप क्या होता है आपका कीटोन ग्रुप होता है राइट और वैसे कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आर सी ओ आर तो ये भी आपका क्या है कीटोन है और इसका कोई अगर मैं कंपाउंड लेना चाहूँ तो यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये आपका क्या है जनरल नाम मैं बता रहा हूँ आर डेस भी ले सकते हैं दोनों तरफ आर और आर डे दोनों ये आपके क्या हैं एल्किल ग्रुप्स हैं ठीक है तो पहले मैं बेसिक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एल डैश को मैंने देखा कीटोन्स फिर मैं बात कर देता हूँ एसिड्स की इसके बाद इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा एसिड तो अगर मैं एसिड की बात करूँ तो आप जानते हैं सी डबल ओ एच आप ऑलरेडी क्लास एलेवंथ में स्टडी कर चुके हैं सी डबल ओ एच को हम लोग क्या बोलते हैं कारबॉगिले कैसेड बोल देते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ये आपका कार्बोंगेलिक एसिड है अभी एक एक करके सबको हम लोग और भी देखेंगे और इनसे जो हमारे कीटोनिक ग्रुप है ना सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली बात करी जाए तो सी डबल बॉन्ड ओ है ना इस ग्रुप इस ग्रुप को हम पर्टिकुलरली इसका कार्बोनिल नाम दिया जाता है ठीक है अगर पूछा जाए कि कार्बोनिल ग्रुप इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के ये सभी जो कंपाउंड है ना एलडिया और और कार्बोगलिक एसिड दे ऑल कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि कुछ कंपाउंड्स और भी हो सकते हैं जिसमें कार्बोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जैसे मैंने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और मैं यहाँ से ले लूँ एक्स ठीक है तो ये कंपाउंड हमारा कौन सा है ये बेसिकली एसेल हेलाइड है दिस कंपाउंड इज एसेलाइड तो एसेल हेलाइड में भी क्या है आपका कार्बोन ग्रुप है तो कार्बोनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और X के प्लेस पर यहाँ पर क्या है हेलोजन है X के प्लेस पर आपका फ्लोरीन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आपके हेलोजन हैं तो मीन्स इसमें कार्बोन ग्रुप आपका प्रेजेंट है कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूँगा कि आज मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप्स की स्टडी करूँगा ठीक है उससे बनने वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें जो मेन कंपाउंड पॉपुलर कंपाउंड है एलडीआईड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बल जबकि और भी बन सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड जैसे कि हमने एसेल ग्रुप बताया एसेल हेलाइड ये भी एक क्या है आपका कार्बोनल का कंपाउंड ही है है ना कार्बन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है जैसे मैं एक दो एग्जांपल और भी ले सकता हूँ जैसे अगर मैं बात करूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और मैं यहाँ पर ले लूँ आर एक और ले लिया यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ तो आपको याद आ रहा होगा ये क्या है एनहाइड्राइड ग्रुप है ठीक है इसको हम क्या बोलते थे एसिड एनहाइड्राइड तो ये एसिड एनहाइड्राइड भी क्या है कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है ये है एसिड एनहाइड्राइड ठीक है तो ये हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि हमारे पास जो एल्डियाड्स कीटोन्स और कार्बोक्लिक एसिड हालांकि इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे एक दो और बता दें अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं आर है ना सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर तो ये क्या है ये आपका एस्टर ग्रुप है है ना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर और इसमें कार्बोन आपको कार्बोनिल मैन फोकस करना है ना कार्बोनिल अभी बताएंगे इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है और और भी हो सकते हैं जैसे मैं देख लूँ यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू है ना ये कौन सा ग्रुप है ये देखो कार्बोनिल ग्रुप मेनली आज मैं स्टडी जो करने जा रहा हूँ वो क्या है कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की मैं बात करूँगा तो ये क्या है आपका आर सी डबल बॉन्ड एन एच टू इसको बोलते हैं अमाइड ठीक है वैसे और भी इसके अलावा होते हैं मगर आपके लिए इतने दी जा जाता है सफिशियंट ठीक है तो इसके बाद मैं देख लेता हूँ आगे इसके बाद मैं आ, कुछ एक कम्पाउंडस और आपके सामने लाता हूँ जो कि इसी के हैं आपके एल्ड्स की टोन्स के ही हैं इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका अप्लीकेशन है डेली लाइफ में जैसे कि मैं एक कंपाउंड यहाँ से लेता हूँ ये हमारे एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड्स हैं ये हमने लिया है सी ग्रुप अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूँ ये सी ठीक है अभी मैं कहूँ कि इसका अभी मैं नामचर पर भी जाऊँगा सी ग्रुप है यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया ओ लगा दिया और ये हमने लगा दिया ओ एच तो इसका नाम आपका होता है वैनी ठीक है ये हमारा होता है वैनी कुल मिलाकर ये एल्ड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और ये एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है ठीक है तो ये कंपाउंड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में और और भी इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये यहाँ से लिया है अब Uh, अंदर ये सर्कल बना सकते हैं बेंजीनरिंग के अंदर अगर आप बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो ये कंपाउंड है सेली सेल एल काफ़ी पॉपुलर कंपाउंड है सेली सेल एल तो आप इसको अंडर कर, अंडरस्टैंड करना राइटिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये बोर्ड पे थोड़ा जब लिखता हूँ तो उस तरह से नहीं बन पाता है ये डबल बॉन्ड यहाँ से ले लिया है और ये हमारा है सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड सी एच ओ तो ये हमारा कंपाउंड है सिन्नामल डियाइड इसको बोलते हैं ये कंपाउंड होता है सिन्ना मल ठीक है सिन्नामल डहाइड ये कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स थे ठीक है और ये अपने फ्रेगरेंस और फ्लेवर के लिए कंपाउंड जाने जाते हैं ठीक है और व्यती इनकी प्लीजेंट फ्रेगरेंस होती है इस परपस से ये मेनली जाने जाते हैं अब हम बात करेंगे इनके नोमिन की ठीक है नोमिन कैसे किया जाता है नोमिन क्लेचर आई यू पी एस सी की बात करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो तो नंबर में कभी कभी नेम पूछ देता है तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे एलडे के नोमिन की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले एलडियाइट्स तो एलडियाइट्स के नोमिन में क्या करते हैं भाई हम सफिक्स में अल लगा देते हैं क्या लगा देते हैं एड अल एड अल इन सफिक्स बस इतनी सी बात याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना देखो कैसे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं यानी एल जो लगाते हैं ना यहाँ पर जैसे एल्केन ये क्या ये एल है एल की ई को हटाते हैं ये ई को हटाते हैं प्लस ई के प्लेस पे क्या लगाते थे अल लगा देते हैं तो ये सीधा सीधा हमारा इस तरह से बन जाता है एल के नल अभी मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ उसके थ्रू आपको इनकी आई पी एस सी बताता हूँ और जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ हमने यहाँ पर लिया है सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ एच अभी दो कार्बन आपको अच्छा इससे पहले कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आपको बता दूँ मैथ है तो वगैरह कंडीशन आप जानते होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपके नंबर ऑफ सी एटम्स कितने हैं वन टू थ्री है ना फोर फाइव और इस तरह से अगर वन है तो इसको हम लोग क्या कहते थे मैथ है ना टू है तो इसको हम क्या कहते थे एथ इस तरह से आपने इसको स्टडी ऑलरेडी कर रखा होगा क्लास टेंथ में तो ये मैथ ए थ्री है तो प्रॉप है फोर है तो ब्यूट फाइव में पेंट सिक्स में हैग्ज है डैक इस तरह से फिलहाल यहाँ से हमारे दो कार्बन हैं अल लगाएंगे तो इसका नेम आप सिंपली देख सकते हैं क्या हो जाएगा ई राइट इसमें आपको अल लगाना है अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो बेसिकली इसका नाम एसीटल डायड है एसीटल डायड स्पेस मेनली जो है ये एग्जाम में जो है वो आई पी एस नेम पूछे जाते हैं और इसके अलावा जैसे ये मैं एरोमेटिक टाइप का भी यहाँ से ले सकता हूँ मैंने बंजिन लिया व्यंजन के साथ ये ऐड कर दिया और ये हमारा आ गया सी एच ओ क्या नाम इसका हो जाएगा बोलो इसका नाम क्या है बैंजल ठीक है हालांकि ये बैंजल जो नाम है ये आई पी सी एज वेल एज कॉमन दोनों में एक्सेप्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा और भी नेम यहाँ से ले सकते हैं एक दो तो जैसे मैंने यहाँ लिया है सी एच थ्री सी एच और सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच और यहाँ पर एक मैंने ग्रुप लगा दिया है बी आर राइट तो अभी मैं आपको ऑर्डर बता दूंगा कि इसकी कैसे ऑर्डर चलती है तो उसमें आई पी में प्रॉब्लम नहीं होगी फिलहाल देखो यहाँ पर वन टू और मैं नंबर एक इसको थ्री देता हूँ फोर लेता हूँ देखो तो थ्री नंबर मैंने लगाया ब्रोमो तो इसका नाम क्या होना चाहिए भाई बोलो थ्री ब्रोमो आप बता सकते हैं ख़ुद से ट्राई किया करो थ्री ब्रोमो और चार कार्बन हैं तो क्या होना चाहिए ब्यूटे राइट थ्री ब्रोमो ब्यूटे और अगर मैं इसको कॉमन नेम में कहूँ तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरलैड भी कह सकते हैं अगर मैं इसको कॉमन नेम की बात करूँ कॉमन नेम में तो अगर मैं नाम दूँगा इसको अल्फ़ा ये पोजीशन हमारी अल्फा है ये बीटा है तो मैं इस ब्राम ब्राम इसको बोल सकता हूँ बीटा ब्रोमो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरलैड है ना बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरलैड राइट ये भी मैं इसको बोल सकता हूँ तो ये अभी कुछ बेसिक सी आई है और कुछ एक नेम्स मैं और भी यहाँ से ले लेता हूँ बाकी सभी जैसे मैंने यहाँ से लिया है अच्छा एक चीज़ देखो अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ से ये यह मैंने लगा दिया अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई कंपाउंड है ना सी एच ओ ग्रुप नंबरिंग में अगर मैं इसको एड नहीं करता हूँ तो इसको एज ए कार्बल डाइड के रूप में ट्रीट किया जाता है तो इसका मैं नाम आपसे पूछूँ पहले आप खुद से ट्राई करिए नहीं आएगा तो आप देख लेना जो मैं बता रहा हूँ इसका नेम होना चाहिए साइक्लो है ना सिक्स नंबर की रैम में साइक्लो हैगजैन कार्बल डेहाइड साइक्लो हैगजैन तो ये इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी कर देता है तो आपको याद रखना है कि जब आ, कहने का मतलब जब सी एच ओ ग्रुप है ना ये वाला सी एच ओ ये सी एच ओ ग्रुप को जब नंबरिंग में हम काउंट नहीं करते हैं तो इसको इसका नेम एज ए कार्बल डेहाइड के रूप में दिया जाता है ये बात आपको याद रखनी है देखो आई में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दो तीन बातें बता दूंगा कि पहले कुछ एक टेबल टाइप का ही बता दूँ कि ये जो प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे करते हैं सबसे पहले सी डब्लू एच की प्रियोरिटी देते हैं फिर आपका एस ओ थ्री एच सेलफोनिक ग्रुप की प्रियोरिटी देते हैं फिर आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि आपका एन आई ग्रुप की प्योरिटी देते हैं इसके बाद फिर हम एस्टर ग्रुप की प्योरिटी देते हैं सी डब्लू आर और इसके बाद प्रायोरिटी हम सी यू सी एल ग्रुप की देते हैं तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जरूरी है इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस कर देता हूँ सी यू एन एस टू यानी कि एम आई ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं इसके बाद हम सी एन यानी साइनाइड ग्रुप और इसके बाद हमारा प्रायोरिटी होती है एन सी ग्रुप यानी कि ये आपका आइसोसाइनाइड है और इसके बाद फिर आपका एल डी आइड आता है तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही जरूरी है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ और फिर हमारा आता है सी डबल बॉन्डो यानी कि कीटोन ग्रुप कीटोन के बाद आ जाता है हमारा एल्कोल ग्रुप ओएच एच ग्रुप आता है और इसके बाद हमारा थायो एल्कोल आ जाता है फिर आता है हमारा एन एच टू ग्रुप और एन एच टू के बाद हमारा आ जाता है ओ आर यानी एल्कोक्सी ग्रुप आता है इसके बाद हमारा एल्कीन ये भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है फिर आ जाता है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड फिर लास्ट में इधर हमारा आ जाता है एक्स यानी कि हेलोजन और हेलोजन के बाद आ जाता है हमारा एन ओ टू यानी कि नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो को लास्ट में एल्क्लोन तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी देंगे अगर ये नहीं पता होगा तो आप प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे चलिए अब मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ देखो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लिया था ये देखो मैंने एक कंपाउंड लिया है ठीक है यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप इधर एल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे ठीक है वन टू थ्री और ये मैंने यहाँ लिया फोर फाइव सिक्स और सेवन देखो अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है आपका थ्री नंबर मिथाइल ग्रुप लग रहा है फोर पर आपका ब्रोमो ग्रुप लग रहा है तो अभी आई पी एस सी नाम जब लिखेंगे ना तो इसमें कैसे पहले आप मिथाइल को लेंगे ब्रोमो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दो वर्ड है एक आपका क्या है मिथाइल है ना एक वर्ड आपका क्या है ब्रोमो तो मिथाइल ब्रोमो में कौन सा वर्ड पहले आता अभी पहले आएगा तो आप ब्रोमो वाले को पहले लिखेंगे तो ये जो नंबरिंग जब देते हैं इनको जब लिखते हैं इनको सबस्टिट्यूंट को तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं राइट तो इसका नाम और जब लिखेंगे तो फोर ब्रोमो है ना ये आप ख़ुद से भी ट्राई कर सकते हैं फोर ब्रोमो और थर्ड नंबर मिथाइल लगा हुआ तो आ जाएगा फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल और कितना हो जाएगा आपके कितने कार्बन टोटल फाइव है ना पेंटेनल तो इस तरह से आप बड़े आराम से इसका नेम लिख सकते हैं चलिए इस तरह से एक दो कंपाउंड के नेम और भी लेते हैं तो आप इनके नाम बताएंगे जैसे मैंने साइक्लिक टाइप में चलो मैं कुछ ले लेता हूँ ये मैंने लिया है सबसे पहले इसका नेम देखो क्या होगा बोलो भाई साइकिलो एक्जन होगा साइकिलो एक्जन पर अगर मैं सी एच ओ ग्रूप लगा दूँ तो इसका नेम क्या हो जाएगा आप खुद ही बता सकते हैं है ना इसका नेम क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बन ड ठीक है और भी एक दो नाम ले लेते हैं जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सी एच थ्री सी एच टू और सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ अभी मैं इसका नाम अगर मैं आपसे करूं तो नंबरिंग देखो किधर से करेंगे सीधी सी बात है ऑब्वियसली इधर से करेंगे ना वन टू थ्री फोर और फाइव अभी ये एल्कीन है ना ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह से ट्रीट करते हैं तो इसका नेम क्या होना चाहिए बताइए पेंट पांच कार्बन है तो पेंट टू नंबर पे लगा हुआ इन पेंट टू इन और बन अल या डायरेक्ट कह दो पेंट टू इनल ये इसका नेम हो जाएगा राइट तो ये कुछ सिंपल सिंपल से आ, आई पी नेम थे कुछ एक प्रैक्टिस के लिए आपको और भी करवा देते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए जैसे मैंने यहाँ लिया है सी एच थ्री और सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ देखो इस तरह से यहाँ तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अभी एल्ड कीटोन एक बात देखो यहाँ ऊपर नंबरिंग पे आते हैं जी देखो यहाँ नंबरिंग देखो इस वाले को देखो एलडियार्ड कीटोन में किसको प्रेफरेंस पहले दिया जा रहा है बोलो एलडियार्ड कीटोन की, की मैं बात करूँ तो एलडेहाइड को प्रेफरेंस पहले दिया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एल्डेहैड को मेन ग्रुप मानेंगे और ओ जो है इसको एज ए सबस्टिटेंट के रूप में कंसिडर करेंगे यहाँ पर जो ओ तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है ना ओ अब इसको हम लोग जो है एज ए ऑक्जो के रूप में ट्रीट करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा एल माना जाएगा क्योंकि इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर और ये अमर क्या हो जाएगा फाइव अब इसका नेम बताओ और मैंने कहा है जब इसको ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप जब आ जाए सी ग्रुप आ जाए और ये अगर आपका मेन ग्रुप के रूप में ट्रीट ना हो तो इसे हम एज ए ऑगजो के रूप में बोलते हैं ठीक है ऑगजो तो इसका नेम थर्ड नंबर पे लगा हुआ है इसका नेम होना चाहिए भाई आपका क्या होगा थ्री ऑक्सो और पांच कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंटे नल थ्री ऑग्जो पेंटे नल तो इस तरह से आप इसका नाम बता सकते हैं एक मैं नेम और देता हूँ जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच थ्री सी एच और एक फंक्शन ग्रुप यहाँ लगा दिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ है ना और सी डबल हो यहाँ पर मैंने एच लगा दिया तो अभी मैं कहूँ कि इसका नेम क्या होना चाहिए देखो लॉन्गेस्ट चैन वन टू थ्री क्या होगा यहाँ भाई टू मिथाइल ये यह यहाँ से ले सकते हैं टू मिथाइल प्रोपे नल ये हो जाएगा हमारा टू मिथाइल प्रोपेनल ये इसका नेम बड़े आराम से हो जाएगा ठीक है और एक दो नेम लेते ले ले हैं जय प्रैक्टिस के रूप में ये यह यहाँ से हमने बेनजन ले लिया और ये आ लगा दिया मैंने सी एच ओ तो इतना तो पता है बेंजल डायड है अगर मैं मान लो फोर्थ नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा भाई है ना फोर नाइट्रोबेंजल डेड क्या होना चाहिए फोर नाइट्रोबेंजलड ऐड वैसे फोर नाइट्रो जो बैंजलड ऐड है ये आई पी एस सी है ना एज वेल एज कॉमन दोनों में एक्सेप्टेड है इसका नेम और सही से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फोर नाइट्रोबेंजीन कार्बल डियाइड क्या लिख सकते हैं फोर नाइट्रो बैंजन कार्बल है ना अगर मैं उसको नंबरिंग में शामिल नहीं करूँगा फोर नाइट्रोबेंजीन कार्बल डियाइड ओके ये नाम लिख सकते हैं तो आई होप दैट कि इस तरह से आपको आ, इनकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एक नाम और भी ले, ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ मैंने यहाँ से एच दिया है सी एच टू और यहाँ मैंने सी एच सी एच टू और सी एच ओ अभी देखो यहाँ पर तीन तीन आपके फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो भी कार्बन तो करना क्या है कि ये आप ये आपका सी एच ओ एक ये सी एच ओ एक ये सी एच ओ तीन तीन सी एच लगे हुए हैं तो नंबरिंग जो करेंगे वो कहां से कर देंगे यहाँ से बर्न टू थ्री क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा फ़ंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो इसका नेम सीधा सीधा आपका हो जाएगा बता सकते हैं आप प्रोपेन वन टू थ्री और क्या बोलेंगे ट्राई कार्बल डेहाइड प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्वल डेहाइड ये इसका नेम हो जाएगा राइट तो इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी और आई होप दैट कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे इसके बाद देखो मैंने कुछ नेम लिए हैं इनके मैं कुछ आई पी एस नेम बताता हूँ जैसे फर्स्ट है आपका तो आई होप दैट आप खुद ही बता सकते हैं क्या नाम होना चाहिए इसका मी नल है ना ये इसका आई पी एस नेम है मी थे नल यहाँ पर अगर मैं देखूँ कॉमन नेम की अगर बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ये कुछ पॉपुलर नेम है मैं बता देता हूँ इसको हम लोग फॉर्मल डियाड के नाम से भी जानते हैं ना एच सी एच ओ किस नाम से फॉर्मल डियाइड अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो एक बात ध्यान रखना आई और कॉमन नेम आई पी एस सी डिफरेंस क्या है आई पी एस नेम में हम लोग नंबरिंग करते हैं जैसे यहाँ से नंबरिंग मैंने किया है कि यहाँ से लेता हूँ वन टू और थ्री अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूँ तो अल्फा बीटा गामा नेम देता हूँ अगर रिंग है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ऑर्थो पैरा नाम देते हैं ठीक है ये ध्यान रखना है रिंग में ऑर्थो पैरा वैसे आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से फिलहाल इसके आई नेम की बात करते हैं तो वन टू थ्री थ्री आपके दो क्या लगे हुए हैं दो आपके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो अगर मैं बात कर दो सॉरी दो सी एच ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको आप क्या कहेंगे साइक्लो हैगजेन है ना इसका नाम आप देंगे साइक्लो हैगजैन साइक्लो और वन कॉमा थ्री डाई कार्बल साइक्लो वन कॉमा थ्री डाई कार्बल इसके बाद इधर आ जाओ अगर मैं इसमें देखूं तो देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन टू थ्री ये ओ सी एच थ्री ग्रुप को जानते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भाई एल्कोक्सी ग्रुप है ओ आर क्या बोलते हैं इसका इसका नाम होता है एल्कोक्सी है ना अगर आपका जैसे मैं एक दो बता देता हूँ अगर आपका ओ सी एच थ्री हो तो इसका नाम होगा मेथोक्सी ठीक है अगर कहीं पर आपका ओ सी टू एच फाइव लिखा हुआ है तो इसका नाम होगा इथोक्सी और इसी तरह से आगे अगर आपका लिखा हो ओ है ना क्या लिखा हो ओ सी थ्री एच सेवन हो तो नाम होगा प्रोपैक्सी ऐसे आगे होगा ब्यूटॉक्सी पेंटॉक्सी ऐसे होता चला जाएगा फिलहाल इसका नाम होगा मेथॉक्सी वो भी कहाँ पर लगाओ टू नंबर पे तो ये हो जाएगा हमारा टू मेथॉक्सी क्या होगा टू मेथॉक्सी और तीन कार्बन हैं तो टू मिथॉक्सी प्रोपेनल इसके बाद जर आ जाओ और टू मेथॉक्सी प्रोपेनल जो आपका मैं लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं Uh, uh, अगर मैं इसके अः uh, टू मिथोक्सी प्रोपियनल की कॉमन नेम की बात करूं है ना तो इसका थोड़ा सा हो जाएगा अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल क्योंकि अल्फा पोजिशन हुई ना सी एच ओ की अल्फा बीटा गामा जब नाम देते हैं तो सी एच ओ को छोड़ देते हैं अल्फा बीटा बीटागाम नाम देते दे, हैं तो सी एच ओ को छोड़ के नाम देते हैं इसको कह सकते हैं अल्फा तो अल्फा मिथोक्सी लगा हुआ है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल इसकी आवश्यकता नहीं है मैंने बस मैंने ऐसी बता दिया है अल्फा मिथॉक्सी प्रोप्योल प्रोप्योनल डियाड इसका नाम हो जाएगा फिलहाल इसको देखते हैं नंबरिंग यहाँ से करेंगे वन टू और ये थ्री तो आप बता सकते हैं कि प्रॉप पहले तो प्रॉप आएगा और प्रॉप के बाद कितने कार्बन लगे हुए दो नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रॉप टू ई नल वैसे ये चूंकि पॉपुलर कंपाउंड है तो पॉपुलर होने की वजह से इसका ज़्यादातर कॉमन नेम भी चलता है एक्न है ना काफ़ी फेमस कंपाउंड है ये एक्रोलिन के नाम से इसे जानते हैं ये इसका कॉमन नेम है एक्रोलिन और ये प्रॉप टू प्रोपट्यूनल यहाँ देखते हैं इसका नेम क्या होना चाहिए भाई इसका नाम होगा बेंजीन आप बता सकते हैं क्योंकि दो-दो ग्रुप लगे हुए हैं तो आप उसको नंबरिंग में शामिल ना करें बेंजीन 1,2 डाईकार्बल्डिहाइड ओके बेंजीन 1,2 डाईकार्बल्डिहाइड ये इसका आईयूपीएसी नेम है आप इसके अलावा अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम में क्या हो सकता है भाई है ना कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे थैलिक एसिड होता था अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो थैलिक एसिड ये ऐसे करते थे इस तरह से ये डबल बॉन्ड ये यहाँ लगा दिया मैंने बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर क्या होता था सी डब्लू एच सी डब्लू एच इसका नाम होता थैलिक एसिड तो इसी तरह से क्या हो जाएगा थैलडीहाइड हो जाएगा पी एच टी एच ए एल डी ए ये हो जाएगा हमारा थैलडेहाइड इधर आ जाओ यहाँ पर नंबरिंग करेंगे आप जहाँ सी ओ लगा वो वन टू थ्री क्या होना चाहिए भाई इसका नेम होना चाहिए हमारा थ्री ब्रोमो थ्री ब्रोमो और बेंजल डेइड थ्री ब्रोमो बेंजल डेड थ्री ब्रोमो बेंजल इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे आप थ्री ब्रोमो बेंजीन कार्बन डेइड भी तो कह सकते हैं भाई थ्री ब्रोमो बेंजल कह दो या ये भी कह दो कि थ्री ब्रोमो थ्री ब्रोमोन कार्बल ये भी आप इसका बोल सकते हैं थ्री ब्रोमो बेंजीन और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम में आपको याद रखना चाहिए कि मेटा पैरा लेते हैं अगर मैं इसको एज ए ग्रुप मान लिया तो इसके सामने वाली पोजीशन ये वाली ऑर्थो हो जाती है ये मेटा और फोर्थ नंबर वाली पैरा यहाँ पर भी ऑर्थो हो जाएगी ये वाली मेटा हो जाएगी तो मेटा ब्रोमो लगा हुआ है तो ये हो जाएगा मेटा ब्रोमो बैंजलडेड मेटा ब्रोमो बैंजलडियाड ये इसका क्या है ये इसका कॉमन नेम है फिलहाल कॉमन की आवश्यकता नहीं है आपको आई की आवश्यकता होती तो स्टूडेंट्स ये मैंने अभी एल की आई पी की है इसके बाद थोड़ी कीटोन की, की आईपीएससी अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर हम मेन हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा अभी एक इंट्रोडक्शन टाइप का था तो डियर स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस को टर्म टू का सिलेबस कम्प्लीट कर दूँगा और बनी रही अपने चैनल पर कंटिन्यू विजिट करिए और ये वीडियो आपको आज भी मैं अभी जो दे रहा हूँ ये सिक्स पीएम पर आपको डेली शाम को छः बजे मिल जाएगा चैनल पर तो अपने फ्रेंड्स में शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दी सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को थैंक यू जय हिंद जय भारत